हाल ही में खबर आई थी कि फरहान अख्तर की बहन और डायरेक्टर जोया अख्तर 30 मार्खा के आइटम नंबर शीला की जवानी टाइटल पर एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रही हैं। पर जब जोया से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही हैं। No, I'm not making a documentary and it's something that's going to be announced over the weekend. It's not my production, so I cannot talk about it till it comes out. कहा जा रहा था कि बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने पर फिल्मों में आइटम नंबर और उनकी अहमियत पर जोया एक फिल्म बना रही हैं, जिसमें कटरीना कैफ एक कैमियो भी करने वाली थी। लेकिन अब जब जोया ने ये कह दिया है कि ये उनका प्रोजेक्ट नहीं है, तो फिलहाल इसकी अनाउंसमेंट होने का इंतजार करना ही बेहतर होगा। चाहता तो हमेशा था, मगर पता नहीं कि मैंने पहले कभी इस तरह सोचा नहीं था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। जोया ने अपने करियर की शुरुआत दिल चाहता है और लक्ष्य जैसी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर से की। जोया की पहली फिल्म बतौर निर्देशक लक बाय चांस थी, जो कुछ खास कामयाब नहीं हो पाई थी।